हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब की दुकान। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा है। हाँ मुझे पता है, लद्दाख ट्रिप के बाद मेरी यूट्यूब की दुकान पे टेम्पररी ताला लग चुका था। जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उसको ऑलरेडी पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो लद्दाख ट्रिप से आने के बाद लाइफ ने हमारे साथ एक छोटा सा मजाक कर लिया था। तो ये बात है आज से एक मंथ पहले की। 13 अगस्त को मैं सुबह जल्दी निकल गया था अपने जॉब पे। उस दिन मेरे साथ एक पिलियन भी था। तो करीबन सुबह के 10:30 बजे के आसपास बाइक से अचानक ही कंट्रोल चला गया। मैंने पूरा ट्राई किया कंट्रोल वापस लेने के लिए, पर मुझे लगा कि बाइक मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैं स्लो मोशन में रोड पे पूरा स्लाइड होता जा रहा हूँ। जब मैं रुका, मैंने उड़ के सीधा देखा कि पिलियन, मेरे साथ जो पिलियन था वो सही सलामत है या नहीं। तो वो भी सही सलामत था। हम दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे और मैंने दूसरे राइडिंग गियर भी पहने हुए थे। तो राइडिंग गियर्स पे खरोच थी और हेलमेट पूरा घिस चुका था। ये देख रहे हो, पूरा हेलमेट घिस चुका है। तो लगा कि कुछ चोट नहीं लगी। तो आसपास के जो लोग थे वो भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए और हमने सबने मिल के बाइक को खड़ा कर दिया। और तभी मैंने वीडियो भी बना ली बाइक की, क्योंकि वैसे तो दिल से तो है वीडियो क्रिएटर, तो वीडियो तो बनानी बनती है। तब तक मुझे यही लग रहा था कि सब कुछ सही है, बट तभी मुझे मेरा शर्ट कुछ गीला गीला सा फील हुआ। और मैंने जैसे ही शर्ट उठाया, मेरे राइट साइड कमर के पास एक 3 इंच का गहरा कट लगा हुआ था। वो देख के मैं बिल्कुल ही घबरा गया और मुझे चक्कर आने लगे। आप देखिए वो वाला वीडियो। लाइफ का पहला एक्सीडेंट, राइडिंग गियर की वजह से कुछ ज्यादा चोट नहीं आई, एक थोड़ी सी चोट आई। हाँ ये कर लो पहले। तो अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये हुआ कैसे। मैंने वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड पे बाइक चलाई है, वो भी बिना गिरे, बिना किसी खरोच के वापस घर पे आ गया, और ये स्ट्रेट रोड पे क्या हो गया। तभी मेरी नजर पड़ी मेरे रियर टायर पे। पिछला टायर रिम से अलग हो चुका था और उसका ट्यूब था वो स्टक हो चुका था चेन सेट में, जिसकी वजह से मेरी बाइक का पिछला टायर लॉक हो चुका था और इसी वजह से ये इंसिडेंस हुआ था। अभी आप में से कोई बोलेगे कि बाइक का टायर शायद से पुराना हो गया होगा। तो टायर मैंने अपनी लद्दाख ट्रिप से पहले ही नए डलवाए थे, तो ये हार्डली 7,000 के आसपास टायर चले थे। प्लस सुबह ही मैंने इसका एयर प्रेशर भी चेक किया था, वो भी ओके था। प्लस इसमें अपना वो पंचर प्रूफ वाला लिक्विड भी था। तो अभी तक इसका रीज़न मेरे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। अच्छी बात ये थी कि कोई पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी और राइडिंग गियर पहने हुए थे, राइडिंग जैकेट और ग्लव्स ने भी अच्छे खासे इम्पैक्ट लिए थे। ये जो स्लाइडर देख रहे हो जैकेट के, तो मेरे पास है ये राइनॉक्स का स्ट्रॉम ईवो जैकेट जिसमें 2 शोल्डर स्लाइडर है मेटल के। तो राइट साइड का आप देख रहे हो वो आधा घिस चुका है। अगर राइडिंग जैकेट ना होता तो वो इम्पैक्ट कितना लगता और वो इंजरी कितनी डेंजरस हो सकती थी। पर से हेलमेट ने पहला इम्पैक्ट लिया बैक साइड यहाँ पे, सेकेंड इम्पैक्ट यहाँ पे लगा जिससे ये टूट के अलग हो चुका था, इसको तो वापस से मैंने चिपकाया है। थर्ड इम्पैक्ट हुआ था यहाँ पे, ये देख रहे हो ये पूरा घिस चुका है, ये एयर वेंट भी टूट गई है और ये रोड पे स्लाइड होने का ये पूरा वाइजर। इसी गियर की वजह से कम चोट आई, पर जब मैं स्लाइड हो रहा था तब मैंने राइडिंग जैकेट के ऊपर ये वाला थोड़ा सा रेन था तो रेन जैकेट भी पहना था, तो रेन जैकेट का ये हाल हुआ है, हर जगह से फट गई है। तो आप सोच सकते हो कि वो इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त रहा होगा। और बाइक पे भी देख लीजिए, बाइक का भी मेटल है वो घिस चुका है। तो एम्बुलेंस ने हमें पहुंचाया सीधा पोरबंदर
सिविल हॉस्पिटल पे। वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर थे उसने स्टिचेस लिए, 6 स्टिचेस आए, और उन्हें लगा कि मुझे इंटरनल इंजरी है। ये सुन के मेरी फट के 4 हो चुकी थी। जब मैंने घर पे बताया कि ये हुआ है, तो जल्द से घर से भी आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे हॉस्पिटल में गए, जहाँ पे मस्त 2 फोटो खिंचाई, ये वाली। ये फोटो देख के मेरी जान में जान आई कि कोई भी हड्डी नहीं टूटी या कोई इंटरनल इंजरी के साइंस नहीं है। अगर मैंने ये राइडिंग गियर्स ना पहने होते तो आज ये वाले फोटो कुछ अलग से दिखते। और ये मेरा जो चेहरा आप देख रहे हो, वो उसमें फुल ऐसे केले की तरह छिल गया होता मैं। तो ये इंपॉर्टेंस है राइडिंग गियर्स की। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ रोड सेफ्टी के लिए, कि एक हेलमेट आपकी जान बता सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोड साइड वाला हेलमेट खरीद लेते हैं पुलिस वालों के बचने के लिए। तो भैया जी, आप पुलिस वालों से तो बच जाओगे, लेकिन यमराज से कैसे बचोगे? एटलीस्ट आपके पास ISI सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। अगर आपके पास 150 cc से अप है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एटलीस्ट ECE और DOT सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। ये मेरा हेलमेट ECE और DOT सर्टिफाइड है। ECE सर्टिफिकेशन यूरोप का है और DOT अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, तो ये ISI से बहुत ही ऊपर है। अगर ISI सर्टिफिकेशन यहाँ पे है, तो ECE उससे ऊपर, और उसके भी ऊपर है DOT सर्टिफिकेशन। आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में, तो बस यही बात कहना चाहूँगा कि ऑलवेज वियर हिज क्राउन। तो अभी नेक्स्ट मेरा मूव यही रहेगा कि मैं इससे भी अच्छा एक हेलमेट परचेज करने वाला हूँ। इसने अपना काम कर दिया, मस्त क्वालिटी है, एग्जोर का था ये। अभी कोई इससे भी अच्छा हेलमेट लेंगे, तो बस 1-2 हफ्ते में वापस से रेगुलर व्लॉग आने चालू हो जाएंगे। अभी मुझे थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। अभी फिलहाल तो मैं पुष्पा भाई की तरह चल रहा हूँ, तो बस 2-3 हफ्तों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वापस से आ जाएगी हमारे वो वही पुराने वाले मोटू लगिंग स्टाइल पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और जाते जाते एक बार और, किंग ऑलवेज वियर हिज क्राउन। गुड बाय।